जनपद के विभिन्न थानों में वांछित चल रहे इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने नई पहल करते हुए इनामी बदमाशों को पकड़वाने को भी इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि जनपद में लगभग 25 थाने हैं, इसमें करीब 30 इनामी बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस द्वारा अब जगह जगह पोस्टर लगाए जाएंगे और उन्हें पकड़वाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा, जिससे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ सकें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया, जैसा कि पता है गोरखपुर में आपको लगभग 25 थाने हैं और कुछ अपराधी जो नहीं पकड़े जाते हैं, जिनके बारे में कोई क्लू नहीं निकलता है और ये भाग रहे होते हैं, उनके लिए हम पुरस्कार घोषित करते हैं उनके ऊपर, जिससे कि आम जनता भी हमें सूचना दे सके। तो ऐसे इसकी मासिक समीक्षा होती, कल इसकी मासिक समीक्षा थी और जैसा कि यहाँ का एवरेज है 45-50 के आसपास हमेशा पुरस्कार घोषित अपराधी बने रहते हैं लिस्ट में, क्योंकि नए नए अपराध होते रहते हैं, पुराने पकड़े जाते रहते हैं, नए लोगों का उसमें नाम जुड़ता रहता है और कुछ पुराने भी होते हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए, तो उनके लिए टीमें गठित की गई हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ें। आपने आम लोगों से भी गुजारिश की थी कि अगर पुलिस की मदद करें, लेकिन लोग डरते हैं, कोई ऐसा सिस्टम है कि जो सीधे उनका नाम गोपनीय रहे, आपके टच में रहे, लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें? आज की डेट में अगर वो थानेदार या हम में से किसी भी अफसर को बताते हैं, तो हम शर्तिया तौर पर हमारा पहला मकसद है कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर पुरस्कार घोषित है, उनको पकड़ा जाए, ना कि उनको बताने वाले का नाम उजागर किया जाए। तो हम लोगों से आज भी गुजारिश करेंगे, यदि हमारे पास खबर आएगी तो हम उनको पकड़ेंगे और उचित इनाम उस पर जो है वो दिया जाएगा।